होटल से पता लगा कि जब हाईवे होती है, पहले तो देखो यहाँ दिखाओ, अभी यहाँ तक है, ये रात को यानी सुबह ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएंगे। और जब ज़्यादा विंड होती है यहाँ तक आती है, अभी तो दिखाओ यहाँ तक जब ज़्यादा यहाँ तक, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया होटल में बताया, यहाँ तक वेव्स आ चुकी हैं। होटल का जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा पता नहीं ठीक नहीं हुआ, वेव स्लो था पता नहीं क्या, तो क्या हुआ फिर हमने मोबाइल में चेंज किया, हॉटस्पॉट चेंज किया, तो उसमें कुछ अपलोड करनी थी फाइल्स। अब तो हमने जगह जगह ढूंढा नेटवर्क 4G, एक डंडी आ रही थी एयरटेल की, तो हम ढूंढते गए, जहाँ दो डंडी मिली हमने वहाँ पर उसको सेटअप किया, और वो सेटअप देखो कहाँ है, तो हमें नेटवर्क ही नहीं मिला, और हमें जहाँ दो डंडी मिली हम इतने खुश थे 4G नेटवर्क के। तो ये कनिका पाजी, इनका यहाँ सेटअप हुआ, और इन्हें जो फाइलें अपलोड करनी थी वो यहाँ रख के अपलोड की, यहाँ पे हमने वो रखा अपना क्या कहते हैं यार पावर बैंक उसके मोबाइल ऐसा रखा हमने, इसके थ्रू ये हुआ दो डंडी में, इसकी बहुत खुश है आज ये। Yes, thanks to my Vikram bhai कि हमें एक की बजाय दो सिग्नल डंडी मिला and I could do और एक और रीज़न है इसका, एक और चीज़ है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये जो हमने रखा हुआ है पावर बैंक को हमने मोबाइल के ऊपर रखा है एज अ वेट ताकि कौवे मोबाइल ना उठा के ले जाए। दो बार कौवे का अटैक हो चुका है हम पे, कौवे है ना, यस इतने कौवे हैं यहाँ पे, दो तीन बार कौवे अटैक करते हैं इसके, तो हमने कहा पता लगा कौवे को ना पता है मोबाइल है क्या है, पता लगा उठा के ले गए। अब हम प्लान कर रहे हैं बीच पे जाने का, प्राइवेट बीच है, ऑलमोस्ट प्राइवेट बीच है, मतलब बहुत मिनिमम लोग हैं, तो अब बीच पे जाते हैं फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो अराउंड 6:20 हुए हैं और हम जा रहे हैं लहरों के पास, मेरे साथ हैं मिस्टर समीर, और ये सब थोड़ा बहुत गंद। तो ये मैं बता रहा था लहरें यहाँ तक आ जाती हैं बारिशों में, और सुबह मैंने दिखाया था ये सारी रेत गीली है, सुबह पानी वहाँ दीवार तक पहुँच गया, नीचे तक था, टच कर रहा था वहाँ तक। अब देखो कितना भी चला गया, हम कल जब गए थे साइंस समीर, हाँ ये पानी, ये मतलब कितना सुबह आ गया था यार, हद हो गई, इतना देखो कहाँ से वहाँ तक पहुँच गया ये। सो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ये सारे कवर हो गए थे, हमें दिख ही नहीं रहे थे कि ये पत्थर भी हैं, अभी ये सारे डूबे हुए थे, पत्थर सारे। सुबह तो ये लगता है कि नीचे उतरे, यहाँ तक चल रहे सुबह, नीचे उतरे हालत ख़राब हो रही थी कि पूरा समुंदर ही बन चुका था। मगर कल बड़े दिनों बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद सी के दर्शन हुए ना, तो इसलिए कल थोड़ा हल्का लग रहा था थोड़ा जाते हुए रात, क्योंकि हम कल रात गए थे, आज अभी 6:00 हुए हैं, कल हम 7 के बाद गए थे, अंधेरा हो गया था, कल सक्शन भी बहुत ज़्यादा था, तो कल थोड़ा लग रहा था डर, चप्पलें सेट, मगर यहाँ निकल तो नहीं जाएगी, नहीं आएगी जितना अभी आगे पानी। चलो हाँ भाई, यार ये लहर अच्छी आ रही है, अभी यहाँ तक पानी पहुँचा, हाँ भाई ऑसम।
लहरों में खेल के अब हम वापस आ गए हैं। दीज वर द लहरेज जहाँ हम खेले हैं। फोटो फोटो खिंचाई अच्छी, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगी वो vienna.vlogs, प्लीज़ फॉलो अस देयर। और वापस आ गए हैं, आप थोड़ा खाने पीने का प्लान कर रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट जगमगा रहा है। सो गाइज वी आर सिटिंग फॉर द डिनर, इट्स अराउंड 9 और बारिश हो गई है मस्त। देखो आज ही हमारे रिसॉर्ट वालों ने अपनी मॉनसून शीट्स हटाई थी कि मॉनसून तो गया, ऑल दो मानसून जा चुका है लेकिन ये फिर भी एक लास्ट रिट्रीटिंग में भी मॉनसून की बौछार है एंड इट इज़ टू हैवी, मतलब इट्स कैन नॉट से इट्स ओनली ड्रिजलिंग, इट इज़ प्रॉपर रेन।